बिहार के विभूतियों ने लहराया परचम, पद्मश्री से हुए सम्मानित। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट सेवा और उच्च कोटि के प्रदर्शन करने वाले कई लोगों को पद्म पुरस्कारों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। याद हो कि पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने वाले नागरिकों के नाम की घोषणा जनवरी के महीने में ही कर दी गई थी, जिसका वितरण 9 मई को नागरिक अलंकरण समारोह में किया गया। पद्म पुरस्कार पाने वालों में बिहार के कई लोग भी शामिल रहे। अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर और पंडित राम कुमार मल्लिक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि बिहार के इन सभी विभूतियों को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं विभूतियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक कुमार विश्वास के बारे में। ये बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले हैं। इनका जन्म 3 अक्टूबर वर्ष 1956 में हुआ था। अशोक पेशे से एक लोक कलाकार हैं। इन्होंने अपनी प्रसिद्धि टिकुली कला से पाई है। महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कई महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। टिकुली कला बिहार की सबसे प्राचीन कलाओं में से एक है, जिसे आज भी अशोक कुमार विश्वास ने जीवित रखा है। लोगों तक भी इस प्राचीन कला की पहुंच हो सके, इसके लिए ये कई कॉलेजों और स्कूल में जाकर बच्चों से मिलते हैं और इस कला के बारे में बताते हैं। अपने इस कला से इन्होंने न केवल देश और प्रदेश बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्धि पाई है। अशोक की टिकुली पेंटिंग 5 देशों में 100 से भी ज़्यादा प्रदर्शनी का हिस्सा बन चुकी है। 800 वर्ष पूर्व मौर्य काल के दौरान शुरू हुई इस कला को आज भी सहेजे रखने के लिए अशोक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आइए अब आगे हम बात करते हैं सुरेंद्र किशोर के बारे में। ये बिहार में सारण जिले के भराहापुर गांव के रहने वाले हैं। इनका जन्म 2 जनवरी वर्ष 1947 में हुआ था। ये पेशे से एक पत्रकार हैं। बीते 5 दशकों से ये निर्भीक पत्रकारिता कर रहे हैं। इन्होंने बिहार के बहुचर्चित बॉबी हत्याकांड से लेकर पशुपालन घोटाला और कई मामले में बिना किसी भय के लेखनी की है। इनके सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब आखिरी में हम बात करते हैं पंडित राम कुमार मल्लिक के बारे में। ये बिहार के दरभंगा जिले के बहेरी प्रखंड के अमता गांव के रहने वाले हैं। राम कुमार मल्लिक अमता घराने के प्रतिष्ठित संगीत परिवार के रहने वाले हैं। ये ध्रुपद परंपरा के सबसे पुराने संगीतकारों में से एक हैं। संगीत की ये कला 500 वर्ष पुरानी है, जिसे आज भी राम कुमार मल्लिक आगे बढ़ा रहे हैं। ध्रुपद संगीत में इन्होंने प्रशिक्षण अपने पिता से प्राप्त की थी। पंडित राम कुमार मल्लिक ध्रुपद संगीत के अलावे खयाल, ठुमरी, दादरा, विद्यापति गीत के साथ ही कई भजन से भी महारत हासिल कर चुके हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले इन तीनों ही विभूतियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।